बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम नेक्स्ट लॉ पे आगे बढ़ते हैं, जो कि है लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर, यानी कोशेंट की पावर। कोशेंट किसे कहते हैं? अगर कोई भी दो चीज़ें डिवाइड में लिखी है तो कोशेंट कहलाती है। इन पे अगर कोई भी पावर लिखी हो, जैसे 2 की पावर 5, 3 की पावर 7, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने ए इस्तेमाल किया है बेस की जगह पे, ए की पावर एक्स कोशेंट में है, ए की पावर वाई, तो उसको हम इस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये इक्विवेलेंट फॉर्म है। आपने यहाँ पे गौर किया कि माइनस लगा हुआ है, तो देख लें ऑटोमेटिक अब हम माइनस वाला केस भी देखने लगे हैं। सो बेस और पावर इंटीजर से आ रहे हैं। अब हमारे पास बेस तो नेगेटिव वाला केस हमने देख लिया था, पावर भी नेगेटिव में आ जाएगी, वो केस भी यहाँ पे कवर हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तो जनरल रूल में ये सब पे अप्लाई होगा। देखिए ऑटोमेटिक हमें रास्ते नजर आएंगे। अगर लिखा है 3 की पावर 2, तो किसने कहा है कि मैं इस 2 को 1+1 में ही लिख सकता हूँ? भाई दो नंबर्स के सब्ट्रैक्शन में भी तो लिख सकते हैं ना, दो नंबर या दो से ज़्यादा के, दो या दो से ज़्यादा नंबर के सब्ट्रैक्शन में भी लिख सकते हैं इस पावर को। तो मैं ऐसे ही करता हूँ कि मैंने 2 को लिख दिया 5 माइनस 3, भाई 5 माइनस 3 भी तो 2 होता है ना, तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म है। अब मैं पिछले लॉ से जानता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ पावर से, कि अगर तो दो पावर्स लिखी हुई है सेम बेस पर, तो हम उसको प्रोडक्ट ऑफ पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 3 टाइम्स 3 ये प्रोडक्ट हो गई है बेसिस की, इनकी पावर सेपरेट बना दें आप, तो ये 3 की पावर 5 एक आ जाएगा, टाइम्स प्रोडक्ट में आ जाएगा 3 की पावर -3, जिस तरह मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है इसको, 3 की पावर 5, 3 की पावर -3, बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान है। अब यहाँ देखें कि 3 की पावर 5 को हम किस तरह हल करते हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं। 3 की पावर 5 का मतलब है 3 को 5 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब मैंने 3 की पावर 5 -3 को लिख दिया है 3 की पावर 5 टाइम्स 3 की पावर -3, इस तरह हम लिख सकते हैं, पिछला वाला लॉ हम प्रूव कर चुके हैं। अब प्रॉब्लम ये है, अगर आप ऊपर गौर करें तो इसको 3 की पावर 2 बनना चाहिए, क्योंकि जब ही बन सकती है जब इन 5 3s में से 3 3s कैंसिल हो जाएं, तो ये बच जाएगा। तो 3 3s कैंसिल करने हैं हमें, ये वाले कैंसिल आउट करने हैं। तो जब कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में लिखी होती है तो उसको कैंसिल करने, अगर उसमें से कोई चीज़ कैंसिल करनी है तो उसका क्या तरीकेकार है? मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या है? डिवीजन। तो इस पार्ट को हमें डिवीजन में लिखना पड़ेगा, वही काम हमने नेक्स्ट स्टेप में किया है। 3 की पावर +5 यहीं रही, जो -3 थी उसको हमने नीचे प्लस पावर करके लिख दिया है डिवीजन में। तो इससे आप ये नतीजे भी निकाल सकते हैं कि अगर ऊपर पावर माइनस में है तो डिवीजन में जाके प्लस में हो जाएगी, अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर आके प्लस हो जाएगी, यानी कि ऊपर नीचे जाते हुए पावर की साइंस बदलती है माइनस प्लस। क्योंकि रूल मुझे याद है, मुझे इसको बनाना क्या है, 2 बनाना है, तो ये जब ही बन सकता है कि जब मैंने इसको रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन बनाया है पावर को, तो नेगेटिव पावर क्या होगी? रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन तो होगी, लेकिन वो जो साइन है वो डिवीजन में जाएगी तो प्लस हो जाएगी, माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी, प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी, ठीक है? ऊपर नीचे जाते हुए प्लस माइनस साइन चेंज होगी पावर की। सो वैलिड रूल है, ठीक है। अब मैं 3 की पावर 5 को लिख सकता हूँ इस तरह से, 5 दफ़ा लिख दिया 3 को मल्टीप्लीकेशन में। अब ये मैं जानता हूँ सॉल्व करना, 3 को 3 दफ़ा लिख दिया मल्टीप्लीकेशन में, तो अब ये देखिए ना, 1 3 कट गया, 2 3 कट गया, 3 3 कट गया, ये 2 3 बच गए, 3 टाइम्स 3 बज गया यहाँ पे, जिसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो आप देखें कि ये इसके बराबर होता है। तो लॉ हमने बना दिया एक कि अगर तो आपके पास कोई माइनस में पावर लिखी हुई है तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे, अगर ऊपर माइनस में है तो डिवीजन में लाके प्लस में कर देंगे, अगर ऊपर प्लस में तो नीचे आकर माइनस हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, अगर डिवीजन में माइनस है तो ऊपर आके प्लस हो जाएगी। मिसाल के तौर पर कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं हम यहाँ पर। ये लॉ तो हमारा बन गया। अगर लिखा है 2 की पावर -3, तो इसको मैं लिखूंगा 1/2 की पावर +3, क्योंकि ऊपर -3 थे तो नीचे आके +3 होगी, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर आके वापस -3 हो जाएगी। अगर लिखा है 2 की पावर +3, इसको मैं नीचे लेके जाना चाहता हूँ तो 2 की पावर -3 हो जाएगी, नीचे माइनस है तो ऊपर आके प्लस हो जाएगी, तमाम इक्विवेलेंट फॉर्म है। तो इस तरह अगर तो नेगेटिव इंटीजर कोई पावर है तो उसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, और पावर प्लस में कन्वर्ट करने के बाद हमें उसका रूल आता है कि किस तरह सॉल्व कर। तो एक जनरल रूल हम बना देते हैं, यहाँ देखें कि 3 की पावर 5/3 बेसिस सेम है और डिवीजन में लिखी हुई है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर एक्स, यानी कि कोई भी बेस है उस पर कोई भी पावर लगी हुई है, डिवाइड में भी सेम बेस है उस पर कोई भी पावर लगी हुई है, तो वो इक्विवेलेंट है बिल्कुल। एक दफ़ा बेस लिखेंगे, ऊपर वाले नंबर की बेस इसी तरह आ जाएगी, और जो नंबर लिखा हुआ है उसकी बेस माइनस साइन के साथ आ जाएगी, यानी कि साइन चेंज होके आ जाएगी, अगर नीचे माइनस थी तो ऊपर प्लस होके आ जाएगी, नीचे प्लस थी तो ऊपर माइनस होके आ जाएगी। तो ये देख लें, हमने एक जनरल लॉ बना दिया है इसका, तो ऑटोमेटिक चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये दूसरा लॉ भी आपका प्रूव हो जाता है। अब बुक पे आ जाते हैं, तो
आपकी बुक में ये लॉ नंबर 5 है, हमने लॉ नंबर 2 के हिसाब से इसको समझा है, लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। ये कह रहा है कि ए रियल नंबर से आ रहा है डायरेक्टली, रियल नंबर ए जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि बेस जीरो नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो पावर्स हैं एम और एन ली हैं यहाँ पे पावर्स, वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको डिफरेंट केस वैसे ही समझा रहा हूँ, तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बिल्कुल वही बात लिखी हुई है कि सेम बेस हो और अगर डिवीजन में हो, एक की पावर अलग है दूसरे की पावर अलग है, तो एक दफ़ा बेस लिखेंगे और एम माइनस एन लिख देंगे, किस तरह से ये आप सीख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक शर्त लगाई हुई है, इफ़ एम इज़ ग्रेटर देन एन, एम बड़ा होना चाहिए और एन छोटा होना चाहिए, यानी कि ये नहीं चाहते कि ऊपर नेगेटिव नंबर आए, क्योंकि अगर ऊपर नेगेटिव नंबर आएगा तो वापस उसको नीचे पॉजिटिव करने के लिए लेके जाना पड़ेगा, वापस नीचे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मिसाल ले लेते हैं, अगर आपको बात नहीं समझ आ रही, तो ये लिखा है 2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर -1। तो ये कहते हैं कि ऊपर नेगेटिव नंबर ना लिखें, इससे बेहतर है कि इसको लिख दें 1/2, नीचे आकर पावर +1 हो जाएगी, यहाँ पे +1 लिखते रहेंगे, बस ये बताने का मकसद है, तो आप उसको नीचे करके लिखें। तो इसी तरह से यहाँ पर ये दूसरा केस लिखा हुआ है कि अगर पहले वाला नंबर बड़ा होगा दूसरे वाला नंबर छोटा होगा, तो बस सिंपल बताने का मकसद ये है कि ये पावर को नेगेटिव में नहीं छोड़ना चाहते। ये कहते हैं कि आम रूल यही है कि हम पावर को पॉजिटिव में करके छोड़ते हैं, नेगेटिव में नहीं छोड़ते। अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे लाके पॉजिटिव कर दो, अगर ऊपर पॉजिटिव है तो ऊपर ही पॉजिटिव छोड़ दो, तो बस सिंपल बताने का मकसद ये है, तो इसका इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर एम और एन दोनों बराबर हो जाए तो ऑब्वियस है, अगर लिखा है 2 पे पावर 3 -3, ये पहले वाली पावर और दूसरे वाली बराबर है और बीच में सब्ट्रैक्शन लगा हुआ है, तो 2 पे पावर 0 हो जाएगी, और किसी भी नंबर पे पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। इसको मैंने प्रूव करना है, अभी तमाम लॉस पढ़ा दूँ उसके बाद, ठीक है। तो ये केस यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर एम और एन बराबर हो जाए तो किसी भी चीज़ पर पावर 0 बराबर होती है 1 के, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स ली हुई हैं, ठीक है, 3 पे पावर 5 3 पे पावर 2, ये हो जाएगा, एक दफ़ा बेस आ जाएगी, 5 -2 नीचे प्लस पावर थी, ऊपर आके -2 हो गई, 5 -2 पावर 3 हो गई, 3 पावर 3 का मतलब है 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 आंसर आ गया। यहाँ देखें बेस सेम है, 1 पे पावर 3 1 पे पावर 5 है, नीचे बड़ा नंबर है तो ऊपर से ये नीचे ले आए हैं, तो ये 5 -3 हो गया, ऊपर पावर प्लस में थी, नीचे आके पावर माइनस में हो गई, तो 5 -3 2 हो जाएगा, और 7 की पावर 2 का मतलब है 7 × 7 7 7 = 49 × 49। कोई मसला नहीं था, आप इसको ऊपर भी सॉल्व कर सकते थे, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3 7 की पावर -5, नीचे +5 थी ऊपर आके -5 हो जाएगी, ऐसे भी करके देख लें तो ये हो जाएगा 3 -5, ये हो जाएगा 7 की पावर 3 -5 बराबर होता है -2 के, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको नीचे ले जाएं, +2 हो गई पावर, 1/49, आंसर वही आ जाएगा सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, यहाँ पे एक चीज आप याद रख लें, यहाँ आपको बताया हुआ रिमेंबर डैट, ये याद रखना है आपने, अगर तो आपकी जो पावर है वो इवन नंबर है तो ये जो माइनस साइन है ना ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ये भी साथ साथ में आप याद रख लें, देखें अगर माइनस था बेस के साथ तो अगर इवन पावर होगी तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा, सीधा सीधा ए की पावर रहना जाएगा, लेकिन अगर ऑड एक्सपोनेंट है, पावर ऑड है, इवन आपको पता है ना 2 4 6 8, ये इवन है और ऑड क्या है 1 3 5 7, तो ये जो नेगेटिव नंबर है वो रहेगा इसी तरह से, यानी कि -a की पावर n, तो -a की पावर n ही रहेगा, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ऐसा क्यों होता है, बहुत सिंपल सी बात है भाई, अगर -2 की पावर 2 लिखा है, देखें इवन पावर है तो इसका मतलब है कि बेस को उतनी दफा मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इवन में साइन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ऑटोमेटिक ये प्लस का 4 आएगा। इसी तरह अगर ये 4 लिखा होता -2 की पावर 4, इसका मतलब -2 × -2 × -2 × -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 माइनस मिलके वैसे भी प्लस हो जाने, इसीलिए 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो कोई भी पावर लगी है तो उसने प्लस ही हो जाना है, अगर माइनस है तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऑड बेस होगी नेगेटिव के साथ, उस सिचुएशन को हम याद देख लेते हैं, -2 की पावर अगर लिखा है 3, तो इसका मतलब -2 × -2 × -2, ये दोनों माइनस माइनस मिलके तो प्लस हो गए, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, ये अकेला रह गया, तो ये माइनस के साथ ही आ जाए -8, इसलिए क्योंकि ये दो दो मिलकर तो प्लस हो रहे थे लेकिन जो अकेला रह जाता है उसकी वजह से माइनस आता है, तो ये आपने याद रखना है। और ये दूसरा रिमेंबर डैट बताया हुआ है कि किसी भी नंबर पे पावर 0 बराबर होती है 1 के, और ये मैं प्रूफ करवाऊंगा आपको। तो होप कि आपको ये लॉ समझ आया होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।